नमस्कार। बीएससी पार्ट फर्स्ट महाराज गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के एलजेब्रा पेपर का स्टडी अपन इस वीडियो सीरीज में कर रहे थे। पिछले वीडियोस के अंदर हमने ग्रुप और ग्रुप के एग्जांपल्स की चर्चा की। आज हम एक नया टॉपिक सब ग्रुप शुरू करेंगे। इससे पहले कुछ डेफिनेशंस हैं, उनको देखते हैं अपन, क्योंकि जी एक अपने पास ग्रुप है। और सपोज कीजिए कि एच इसका एक सबसेट है, तो हम यहां कह रहे हैं कि जी अपना एक समूह है और एच सबसेट ऑफ जी है। और जी के अंदर जो संक्रिय है वो स्टार से डिनोट करते हैं। यदि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एच, एच के कोई भी दो अवयव लें और ए स्टार बी वापस अगर एच में आ रहा है, तब हम कहते हैं कि जो संक्रिय है ऑपरेशन जो है अपना, दिस ऑपरेशन इज इंड्यूस्ड बाइनरी ऑपरेशन। या इसको अपन बोलते हैं प्रेरित संक्रिया। कोई भी संक्रिया जो ग्रुप जी के किसी उपसमुच्चय के ऊपर भी लागू हो रही हो तो उसको अपन प्रेरित संक्रिया बोलते हैं। अगर एच के अंदर जी संक्रिया वेल डिफाइंड है, जैसे मैं अगर बात करता हूं कि सेट ऑफ इंटीजर मेरा ग्रुप है, ये ग्रुप होता है बिल्कुल, और इसका एक सबसेट ले अपन एन, या चलिए ई सेट ऑफ इवन नंबर ले लेते हैं। तो कोई भी नंबर जो ई के कोई भी दो नंबर्स हैं, अगर ए और बी अगर ई में है, तब ए प्लस बी भी इवन नंबर रहेंगे और ए प्लस बी भी ई में रहेंगे। तो हम यह कहेंगे कि ये जो प्लस की संक्रिया है, दिस संक्रिया इंड्यूस इन सेट ई आल्सो, ई के लिए एक प्रेरित संक्रिया है। लेकिन इसी के लिए अगर मैं दूसरा सेट ले लेता हूं, ये सेट ले लिया जिसके अंदर सिर्फ तीन एलिमेंट लेते हैं, एक दो और तीन, तो अब ये इंड्यूस्ड ऑपरेशन नहीं है, क्योंकि मैं दो को अगर दो पर वापस जोड़ता हूं तो दो और दो चार आते हैं, जो इस सेट के अंदर नहीं है, इस सेट बी के अंदर नहीं है। तो यहां पर इस सेट के अंदर ग्रुप की संक्रिया एक प्रेरित संक्रिया का काम कर रही है, जबकि इस सेट के अंदर ये काम प्रेरित संक्रिया काम नहीं कर रही है। तो हमारे पास एक ग्रुप होगा, ग्रुप का उप समुच्चय होगा और उप समुच्चय के अंदर भी वो संक्रिया लागू हो रही हो तो उसको अपन प्रेरित संक्रिया बोल देते हैं। हमें डिफाइन करना है उप समूह या सब ग्रुप। यदि जी की संक्रिया एच के ऊपर लागू भी है, मतलब फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एच, ए स्टार बी वापस अपना एच में आ रहा है, तथा एच स्वयं भी स्टार के लिए समूह हो, तो एच जी का उपसमूह कहलाता है। एच जी का उपसमूह कहलाता है। अगर जी हमारे पास समूह है, एच उसका सबसेट ले रहे हैं अपन, और एच खुद भी जी की संक्रिया के लिए, ध्यान रखना कि जी और एच के अंदर संक्रिया एक ही है, उसी संक्रिया के लिए अगर वो समूह है, तब उस स्थिति में हम एच को जी का उपसमूह कहते हैं। जिसे जेड प्लस जो एग्जाम्पल अभी कंसीडर कर रहे थे, समूह होता है प्लस संक्रिया के लिए, और इसका सबसेट ले आपका टू जेड प्लस, इसकी बात करें तो ऑब्वियसली दिस टू जेड वो सारे के सारे इवन नंबर्स जो जेड के अंदर है, दिस इज ए सबसेट ऑफ जेड। तो टू जेड प्लस भी अपने आप में एक समूह है,
क्यों, किसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कौन कौन से अपने पास, 2, 4, 6, 8, 10, -2, -4, -6, -8, इस तरह के एलिमेंट है। तो यहां पर जेड के अंदर हमारे पास है 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3, इस तरह के एलिमेंट्स इनफाइनाइट तक जाएंगे, इधर ये इनफाइनाइट तक जाएंगे। दिस इज आवर मेन सेट। एंड 2z के अंदर हमारे पास एलिमेंट है 0, 2, 4, 6 एंड सोन, इधर -2, -4, -6 एंड सोन। ऑब्वियसली 2z इज ए सबसेट ऑफ जेड। और प्लस संक्रिया के लिए अपने आपने समूह है, क्योंकि किन्हीं भी दो एलिमेंट को जोड़ते हैं तो वापस इवन नंबर ही आता है, और हर एक एलिमेंट का प्रतिलोम भी इसके अंदर बैठा है, तत्समक अवयव 0 भी इसके अंदर है। तो 2z भी उसी संक्रिया के लिए जो मेन समूह की संक्रिया है एक समूह है, इसलिए 2z का यहां पर एक उपसमूह का काम करेगा। फाइनाइट सेट की अगर बात करूं मैं, तो एक एग्जांपल लेते हैं अपन, 1, -1, -i। अपन ने देखा कि ये एक समूह है 1, -1, -i। चार एलिमेंट का समूह है जी, और संक्रिया यहां पर मल्टीप्लिकेशन है, तो एक समूह होता है। इसमें से 1 और -1 का एक सेट उठा लूंगा, दिस इज एच, तो ऑब्वियसली दिस एच इज सबसेट ऑफ जी, और एच खुद भी गुणा संक्रिया के लिए एक समूह है, क्यों इसके अंदर यहां पर दो एलिमेंट है 1 और -1, आपस के अंदर ऑपरेट करेंगे वापस इसी के एलिमेंट आएंगे, यही संख्या बनेगी 1 और -1। 1 गुणा संक्रिया के लिए तत्समक का काम कर रहा है, और तत्समक का प्रतिलोम खुद होता है, और -1 का प्रतिलोम भी -1 है, क्योंकि -1 तो -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो तत्समक 1 के बराबर आ जाता है। तो यहां जो ये एच है ये जी का एक सब ग्रुप है। तो कोई भी ग्रुप है उसका जी अगर समूह है तो जी खुद का सबसेट भी होता है, अपन लिखते हैं, तो जी स्वयं भी जी का उपसमूह है। और जिसे यहां पर एच दिया ये भी जी का उपसमूह है, लेकिन यहां जो एच इसका जो प्रॉपर सबसेट है, यदि एच जी का प्रॉपर सबसेट है, प्रॉपर सबसेट मींस एच जी के बराबर नहीं है, एच के अंदर जी के कुछ एलिमेंट्स हैं और एच समूह है, तो उसको हम प्रॉपर सब ग्रुप बोलते हैं। और अगर जी खुद की बात करते हैं तो वो एक इम्प्रॉपर सब ग्रुप होता है। और किसी भी समूह के अंदर अपन एक और देखते हैं कि जी अगर अपना समूह है और ई इसके तत्समक एलिमेंट होता है जी के अंदर, तो ई का जो सेट है एक एलिमेंट का बाइनरी ऑपरेशन वही है, तो ये भी अपने आप में समूह रहता है, क्यों कि ई को ई के ऊपर ऑपरेट करेंगे वापस इसी में आना है, साचर्यता लागू होगी, अकेला एलिमेंट है इसको ऑपरेट करते जाओ यही रहता है, तत्समक ये खुद है और तत्समक का प्रतिलोम भी खुद होता है। तो जी और ई, ये जो ई है ये भी आपका इस जी का उपसमूह होता है, तो जी और ई ये जो दो उपसमूह है, ये दो उपसमूह है, इनको हम विषम उपसमूह बोलते हैं, इनको अपन विषम उपसमूह कहते हैं, और इनके अलावा जितने भी उपसमूह हैं उनको अपन प्रॉपर उपसमूह प्रॉपर सब ग्रुप अपन बोलेंगे, या उचित उपसमूह हिंदी के अंदर कहेंगे। अब बात करते हैं कि क्या जी और एच के अंदर तत्समक अवयव बदल जाता है क्या, तो कॉमन सेंस से बात है, कॉमन सी बात है कि
जी एक सेट था और उसके ऊपर एक संक्रिया डिफाइन की हुई थी, और उस संक्रिया के लिए तत्समक अवयव हमेशा पता है कि यूनिक होता है, द्वितीय होता है किसी संक्रिया के लिए, और एच अगर उसका एक सबसेट है और एच उसका एक उपसमूह है तो उसके अंदर भी वही अवयव तत्समक अवयव का काम करेंगे। तो अपन इसको प्रूव करते हैं कि जी के अंदर और एच के अंदर तत्समक अवयव सेम होता है। तो इफ एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, यदि एच जी का उपसमूह है, देन आइडेंटिटी एलिमेंट इन एच इज सेम एज ऑफ जी। जो आइडेंटिटी एलिमेंट जी के अंदर था वही आइडेंटिटी एलिमेंट एच के अंदर होगा। इसी प्रकार द ऑर्डर ऑफ फर्स्ट द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इन एच एंड जी आर सेम, कि किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर भी एच के अंदर आने से बदलेगा नहीं। तो अपन ने ऑर्डर डिफाइन किया था कि अगर जी अपने पास एक ग्रुप है और ए इसका कोई एक एलिमेंट है, तो उस ए को कितनी बार ऑपरेट करें कि वो कम से कम ऑपरेट करने बार ऑपरेट करने पर आइडेंटिटी के बराबर आ जाए, आ जाए। अगर ये n बार ऑपरेट किया है और n न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक है कि a की पावर n बराबर e है, तो ऑर्डर ऑफ a अपन ने डिफाइन किया था वो n होता है। तो हम कहते हैं कि अगर किसी अवयव का कोटि समूह के अंदर n है तो उप समूह में भी उसकी कोटि n ही रहेगी और n ही रहनी चाहिए, क्योंकि पहले जब हम कह रहे थे कि a को n बार ऑपरेट करने से वो ई आ रहा है, तो अब एन से कम बार ऑपरेट करने से वो ई कैसे बन सकता है। चलिए इनको प्रूव करते हैं मैथमेटिकली, अपन इसको लिखते हैं। तो पहले पहले से हम देखते हैं द आइडेंटिटी ऑफ एलिमेंट इन एच एंड जी आर सेम। यहां अपन ये कह रहे हैं कि एच जी का उपसमूह है, तो मान लेते हैं संभव हो तो माना एच तथा जी में दो तत्समक ई डैश तथा ई क्रमशः विद्यमान है। तो हम ये कह रहे हैं कि ई डैश जो है वो एच में तत्समक का काम कर रहा है और ई जो है वो जी के अंदर तत्समक का काम कर रहा है। जी मेन ग्रुप है, एच इसका एक सब ग्रुप है, उपसमूह है, जो स्वयं भी जी की संक्रिया के लिए ग्रुप है, और हम कह रहे हैं कि एक एलिमेंट है ई जो आपका जी में तत्समक का काम कर रहे हैं, और एक एलिमेंट मान रहे हैं कि ई डैश उसको हम कह रहे हैं कि वो एक एच के अंदर तत्समक का काम कर रहे हैं। चलिए ई डैश अगर एच में तत्समक का काम कर रहे हैं और यहां से मैं कोई भी एक एलिमेंट उठाता हूं ए, माना ए बिलोंग्स टू जी, ए बिलोंग्स टू एच, ऑब्वियसली ए एच में है इसलिए जी का अवयव भी है, और ई डैश एच में तत्समक ले रहे हैं अपन। तो अगर ये ई डैश एच में तत्समक है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो ए और ई डैश का मान
और ई डैश और ए का मान ए के बराबर रहेगा। पुनः ए एच में है अतः ए जी में भी है तथा ई जी का हम कह रहे हैं कि तत्समक है और ए जी का तत्समक है इसलिए ए ई बराबर ई ए बराबर ए रहेगा। तत्समक की डेफिनेशन है आइडेंटिटी एलिमेंट। तो अपने पास ये आ गया कि ए ई डैश बराबर ए और ए ई बराबर ए। तो हम लिख रहे हैं कि ए ई डैश इज इक्वल टू ए और ई। अगर इन दोनों को एक साथ लेते हैं पर एक बार ए ई ई डैश तीनों ही जी के हैं क्योंकि एच जी का है। ई डैश को हमने एच का तत्समक माना था, ई डैश के एच के अंदर ई डैश को माना था तो वो ऑब्वियसली जी में भी है और जी में निरसन का नियम लागू होता है, कैंसिलेशन ला लागू होता है। से ए बराबर ए ई डैश है तो ए ई डैश बराबर ए ई, दिस इंप्लाइज निरसन के नियम से ए कैंसिल हो जाएगा और ई डैश बराबर ई आ जाएगा। हम कह रहे हैं कि अगर एच के अंदर अपन कोई दूसरा तत्समक अवयव मान भी लेते हैं तो वो तत्समक अवयव ई ही होगा, ये दो अलग अलग नहीं हो सकते, ये दोनों सेम रहेंगे, ई बराबर ई डैश और ई डैश या ई जो भी है वो एच में के अंदर भी रहेगा यदि एच जी का उपसमूह है। उपसमूह इसका मतलब अपने समूह है और समूह है तो उसके अंदर तत्समक अवयव होगा और समूह में और उपसमूह के अंदर दोनों में तत्समक अवयव एक ही रहता है। दूसरी अपन बात कर रहे थे कि ए की कोटि या ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। तो मान लेते हैं कि ए एलिमेंट है जो एच में भी है और जी में भी है तो ए एच और जी दोनों में है तो माना और ये कहेंगे संभव हो तो माना, संभव हो तो माना ए की कोटि जी तथा एच में, भैया अलग अलग मान लेते हैं एम ओ एन है ये मान कि ए की दो कोटि मान ली, एक एम मान ली और एक एन मान ली। ए की कोटि एम तो जी में है तो ए की पावर एम का मान ई रहेगा और ए की पावर एन का मान ई रहेगा। ये अपन ने माना है जी के अंदर और ये मान लिया एच के अंदर। संभव हो तो माना, होता नहीं है अपन को पता है तो इसलिए बन दो कि संभव होता, ये मान लिया। तो ए की पावर एम बराबर ई और ए की पावर एन बराबर ई क्योंकि हम ऑर्डर ऑफ ए एक बार m कह रहे हैं और एक बार ऑर्डर ऑफ a n कह रहे हैं तो इसका मतलब ये आ गया कि a की पावर m बराबर a की पावर n। अगर ये m और n अलग अलग है तो इनमें एक छोटा होगा और एक बड़ा होगा तो ये मान लेते हैं कि माना m को अपन कह देते हैं कि n से बड़ा है तो यहां से आ जाएगा आपके पास a की पावर m माइनस n बराबर e जो कि क्योंकि m माइनस n बराबर जीरो के लिए ही संभव है। क्यों? क्योंकि हमने माना है कि m और वह n, m है वो g के अंदर है न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक जिसके लिए कि a की पावर m बराबर e आ रहा है, इससे पहले वो किसी भी न्यूनतम धनात्मक एम से छोटे धनात्मक पूर्णांक के लिए वो जीरो नहीं आ सकता। लेकिन हम यहां लिख रहे हैं कि ए की पावर एम माइनस एन इज अगेन जीरो तो इट्स नॉट पॉसिबल। इसका मतलब ये ए की पावर जीरो ही रहेगा क्योंकि जीरो के बाद के अंदर
g के अंदर a की घात m ही e बन सकता है, और h की बात करें तो a की घात n ही e बन सकता है, और m माइनस n दोनों ही सूट के अंदर m और n से छोटा नंबर रहेगा, और m और n से छोटा नंबर तो सिर्फ a की पावर जीरो ही हो सकता है। तो a की पावर m माइनस n बराबर जीरो, इसका मतलब m बराबर n, और या कहें कि h और g के अंदर a की कोटि समान रहती है, और बदलना भी नहीं चाहिए। हम क्या जब सीधा ही कह रहे हैं कि एच और जी के अंदर संकल्या एक है, किसी अवयव की कोटि है वो इस तरह से डिफाइन की जाती है कि ए को कितने बार ऑपरेट करूं कि वो ई बन जाए, तो एच में भी उतनी बार ऑपरेट करने से ई बनेगा और जी के अंदर भी ऑपरेट उतनी बार ऑपरेट करने से ई बनेगा, क्योंकि संकल्या समान है, अवयव समान है, वही अवयव बात कर रहे हैं। चलिए अब अपन कुछ और थॉर्म्स करते हैं, कोई अच्छी थॉर्म्स करते हैं। इससे पहले एक दो सेट्स के बारे में और चर्चा कर लेते हैं कि एच जी अपने पास एक ग्रुप है, एच इसके अंदर एक सबसेट है, और एच के अंदर मान लिया कि एलिमेंट्स हैं एच वन एच टू और ई। चलिए तीन एलिमेंट अपन ने एच में लिए। के एक दूसरा सबसेट है अपना, जी का सबसेट है, और के अंदर अपन मान लेते हैं कि के में हमारे ये एलिमेंट है के वन के टू के थ्री और सपोज कीजिए, तो उस केस के अंदर एच इनवर्स क्या रहेगा? जी समूह है, यहां पर एच उसका एक सबसेट है और के भी एक उसका दूसरा सबसेट है। कुछ एलिमेंट कॉमन है एच और के में, कॉमन भी ले सकते हैं और बिना कॉमन भी ले सकते हैं, तो एच इनवर्स क्या होगा? तो देखिए एच इनवर्स के अंदर एलिमेंट कौन से हैं? अगर एच के अंदर एच वन एच टू और ई है, तो ये एच वन जी का ही एलिमेंट है, और एच वन चूंकि जी का एलिमेंट है इसलिए एच वन का प्रतिलोम भी जी में होगा। तो जो एच इनवर्स नाम से जो सेट डिफाइन करेंगे उसके अंदर जो एलिमेंट होंगे वो रहेंगे एच वन इनवर्स एच टू इनवर्स और ई। ई का प्रतिलोम मेरे को पता है कि ई खुद होता है, इसलिए ये सेट एच वन इनवर्स कहलाएगा। ऐसे ही अगर मैं एच और के की बात करूं, दिस इज कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स ऑफ सेट्स। अगर एच जी का सबसेट है, के जी का सबसेट है, तो एच के एक नया सेट बनेगा यहां पर, और एच के में अवयव क्या रहेंगे, कौन कौन से अवयव अपन के मानेंगे? तो एच के अंदर एच वन अवयव है, वो अवयव जी का भी है, ध्यान रखिए आप, के भी जी का सबसेट है, इसलिए सारे के सारे अवयव ये भी जी के हैं। एच वन जी का है, के वन भी जी का है, एच वन के वन भी जी का ही अवयव होगा, और ये जो एच वन के वन का अवयव है ये इस एच के का एक अवयव होगा। एच के एक नया सेट होगा जो इन दोनों से परिभाषित होगा, और किस तरह से बनेगा वो देखिए कि इसका जैसे एच वन अवयव लिया आपने, इस एच वन को हम इन सब पर ऑपरेट करेंगे, इस तरह से। फिर हम एच टू लेंगे, फिर हम E को लेंगे, ये एलिमेंट HK के अंदर होंगे, कि HK के अंदर जो भी एलिमेंट है उनका पहला पार्ट, पहली बात तो इसका हर एलिमेंट के दो पार्ट होंगे, पहला पार्ट हमेशा H का रहेगा और बाद वाला पार्ट हमेशा के करेगा। तो ये एलिमेंट नए एलिमेंट बनेंगे
जो जरूरी नहीं है कि एच वन एच आर के अंदर हो, एच वन एच में है, के वन के का एलिमेंट है, तो एच वन और के वन को मैं ऑपरेट करूं तो ये कहीं जरूरी नहीं है कि इनका ऑपरेट करने बाद में जो आपस में जो नया एलिमेंट बनेगा वो इसका या इसका हो, वो इसके बाहर भी हो सकता है। तो वो जो ये बनाएगा नया एलिमेंट वो यहां पर है, इनके हैं वो भी बनेंगे, इन्हीं में रहेंगे, लेकिन इनको इस तरह से ऑपरेट करेंगे। अब बात आई कि एच और के अगर सब ग्रुप है, मान लीजिए सब ग्रुप है जी के, तो इसका मतलब हमने दिखा भी दिया कि तत्स्म को जो पहले लेके चले तत्स्म को एच में भी है और के में भी है। तो एच वन ई को अगर अपन देखें तो दिस एच वन ई इज नथिंग बट दैट एच वन, क्योंकि ई तो तत्स्मक है। ऐसे एच टू ई आपका एच टू बन जाएगा और ई ई अपना ई बन जाएगा। तो इस एच के अंदर एच वन भी है, एच टू भी है और ई भी है। तो जो एच है वो आपका यहां पर इज द सबसेट ऑफ एच के। इसी प्रकार ई के वन, अगर ई तत्समक है तो ई के वन का मान के वन बनेगा, ये अपना के टू बनेगा, ये हमारा के थ्री बनेगा और ये आपका ई है। इसीलिए आप कह सकते हैं कि के भी एच के का एक सबसेट रहेगा। तो एच और के अगर जी के दो सब ग्रुप है तो एच के जो कॉम्प्लेक्स सेट बनेगा वो कॉम्प्लेक्स सेट के एलिमेंट, हर एलिमेंट के दो पार्ट रहेंगे, पहला पार्ट एच का रहेगा और दूसरा पार्ट के सेट का रहेगा। और एच के अंदर एच भी अपने आप एक सबसेट की तरह से काम करेगा और के भी एच के का एक सबसेट रहेगा।